सत्य निसर में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अंदर की बात। अंदर की बात में आज से आप बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, जिनको लेकर राजस्थान के कांग्रेस और भाजपा में दोनों में क्यों कलबली मची हुई है। कह दो मुश्किलों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो आसमां से कि थोड़ा और मुश्किल हो जाए। वसुंधरा राजे के व्यक्तित्व पर एक नजर आज हम डालेंगे। राज्य में कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार है और बहुमत के साथ सुरक्षित भी हो गई है। बावजूद इसके पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की चर्चा सबसे अधिक है। कभी उन पर गहलोत सरकार का साथ देने का आरोप लगाया जा रहा है, तो कभी उन्हें जिद्दी और महारानी कहकर भी जनता से दूर होने की बात फैलाई जा रही है। अब कहा जा रहा है कि भाजपा में वो दूसरा केंद्र बन रही है। राजनीति में समर्थन के बदले में लोकप्रिय होना तो आम बात है, लेकिन राज्य एक ऐसी नेता है जो विरोधी माहौल में भी अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखी हुई है, और इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि भाजपा राज्य में चाहकर भी उनका कोई विकल्प नहीं तलाश पा रही है। केंद्र सरकार से मतभेद के किस्से तो उनके राज्य में मुख्यमंत्री काल में भी आम थे। यहाँ तक कि राज्य में कांग्रेस सरकार के बनने के पीछे भी वसुंधरा राजे की गलत नीतियों को ठहराया गया था। अब गहलोत सरकार के पीछे राज्य का सारा होने की बात भी फैलाई जा रही है, लेकिन धुआं वहीं उड़ता है जहां कहीं आग सुलग रही हो। शनिवार को तीन निर्दलीय विधायकों कुशवीर सिंह जोजावर, ओम प्रकाश हुडला और सुरेश टाक का वसुंधरा राजे से मिलना कुछ अंदर ही अंदर सुगबुगाहट पैदा कर रहा है। जब विधानसभा में गहलोत सरकार ने बहुमत हासिल कर लिया है, तो फिर उन तीन निर्दलीय विधायकों का राज्य से मिलना, जो अशोक गहलोत सरकार को अपना समर्थन दे चुके हैं, कुछ पकने की कहानी कह रहा है। राज्य के विरोधी फिर सक्रिय हो चुके हैं। अपनी ही पार्टी के अपनों से ही विरोध सेना राज्य को कितना मजबूत या मजबूर बना रहा है, ये भविष्य बताएगा। राज्य विरोध सेने की आदि हो चुकी है। मुख्यमंत्री रहते प्रदेश में भाजपा सरकार में उनके प्रति असंतोष पनप गया था। पूरे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ माहौल तैयार करने और कराने में वो लोग भी सक्रिय थे जो प्रदेश में सरकार बनने के साथ ही चाहते थे कि अब मुख्यमंत्री वो काम करे जो संघ चाहता है। संघनिष्ठ नेताओं को अच्छा ओहदा मिले और उनके कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, संघ कार्यकर्ता का काम पहले हो। दूसरी ओर मुख्यमंत्री उस घराने से संबंध रखती है जहां कट्टरपंथी विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्हें ना संघ पसंद है और ना ही कोई जवाब। राजधर्म का पालन करना वसुंधरा राजे की कार्यशैली रही है, और संभवतः इसीलिए प्रदेश की जनता के बीच उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज भी देखें तो राजस्थान सरकार में विधायकों का एक बड़ा वर्ग उनके साथ है। केंद्र वसुंधरा राजे की लोकप्रियता और उनकी छवि से अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए फिलहाल कोई कदम उठाने से परहेज किए हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य को इस बात की कोई जानकारी ना हो, वो खामोश रहकर भी चर्चा में बनी हुई है। अपने मुख्यमंत्री काल में 28 सितंबर 2016 को आम जनता से आकाशवाणी पर वसुंधरा राजे ने सीधा संवाद किया था। यह प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात की तरह पर राज्य की जनता से सीधा संवाद था, जिसमें राजे ने अपने विरोधियों को स्पष्ट संदेश दिया था कि वो किसी गलतफहमी का शिकार ना हो, वो जनता से सवाल जवाब कर सकती है। जनता से संवाद में मुख्यमंत्री ने सदे हुए नेता की तरह वही जवाब दिए जो उनके लिए उनको देने चाहिए। आम जनता की ओर से कोई विशेष सवाल नहीं था और न ही कोई विशेष जवाब था, लेकिन जाते जाते उन्होंने जो शेर सुनाया था वही उनके कार्यक्रम का निचोड़ था। उनके मन की बात थी और उनकी पीड़ा थी जो शब्दों में झलक गई, उनकी आह थी जो सुनाई दे गई थी, उनकी चुनौती थी जो दिखाई दे गई थी, उनकी हिम्मत थी जो पहचान ली गई और उनकी तड़प थी जो महसूस कर ली गई। उनका शेर मुलायजा फरमाइए, कह दो मुश्किलों से कि थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से कि थोड़ा और जटिल हो जाए। नापना चाहते हो हमारे परों को हिम्मत को, कह दो आसमां से थोड़ा और मुश्किल हो जाए। ये कहना था वसुंधरा राजे का उस समय, तो पता लगाया जा सकता है इससे कि वसुंधरा राजे कितने कद्दावर नेता है और राजस्थान में अपनी छवि स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके बिना राजस्थान की सरकारों का चलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के ऊपर ये आज की चर्चा थी अंदर की बात में, और अगली बार फिर लेकर हम अंदर की बात आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सत्य नेशन।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपको अच्छा लगा तो हमें प्रोत्साहित कीजिए।